Chammo kaha tu? Chammo kaha tu? Chammo kaha tu? Mujhe chhod ke chali. तो नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल एकेबी मीडिया में एक बार फिर से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के किंग अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल 4 के दो दिनों के एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में। जी हां दोस्तों, हाउसफुल 4 की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है और एडवांस बुकिंग को आज पूरे हो चुके हैं दो दिन और दोस्तों फिल्म को एडवांस बुकिंग में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फिल्म ने दो दिनों में एडवांस बुकिंग से ने करोड़ रुपए की कमाई कर ली। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। तो दोस्तों, दिवाली के शुभ अवसर पर रिलीज होने वाली फिल्म हाउसफुल 4, जो कि एक कॉमेडी फिल्म है और फिल्म को डायरेक्ट किया है साजिद खान और फरहाद सामजी ने। दोस्तों, फिल्म के लीडिंग स्टार कास्ट में देखने को मिल रहे हैं बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार और उनके साथ में हमारे बॉबी देओल, उनके अलावा नज़र आ रहे हैं रितेश देशमुख। वही दोस्तों फिल्म में नज़र आएगी कृति सेनन, कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े। साथ ही साथ इस फिल्म में नज़र आएंगे तेलुगु सुपरस्टार राणा दग्गुबाटी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी। अगर दोस्तों बात की जाए फिल्म के बारे में, तो फिल्म का ट्रेलर सुपर डुपर हिट हो चुका है। फिल्म के 2 से 3 गाने रिलीज हुए और गाने भी सुपर डुपर हिट हो गए। तो दोस्तों, दिवाली जैसे बड़े त्यौहार पर रिलीज होने वाली इस फिल्म के एडवांस बुकिंग को चालू हुए सिर्फ 2 दिन हुए, लेकिन दोस्तों फिल्म ने 2 दिनों में एडवांस बुकिंग से काफी ताबड़तोड़ कमाई की है, जिसे देखते हुए लग रहा है कि फिल्म रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें फिल्म इस वक्त काफी बड़ा टॉपिक बनी हुई और इस फिल्म के लिए पब्लिक के बीच में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि दोस्तों अक्षय कुमार काफी दिनों से एक्शन फिल्में कर रहे हैं या फिर सोशल फिल्में कर रहे हैं, लेकिन अक्षय कुमार के जितने भी फैंस हैं सभी लोग अक्षय कुमार को कॉमेडी करते देखना चाहते हैं। तो दोस्तों फाइनली अक्षय कुमार वापस कॉमेडी फिल्म लेकर आ रहे हैं। साथ ही साथ फिल्म में बॉबी देओल और रितेश देशमुख जैसे 2 सुपरस्टार और है, जिसके चलते फिल्म के लिए लोगों के बीच में और ज्यादा उम्मीदें बढ़ गई। या दोस्तों, अगर बात करें हम हाउसफुल 4 के 2 दिनों के एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म के एडवांस बुकिंग स्टार्ट होते ही इस फिल्म को अपने पहले दिन यानी शुरुआती 24 घंटों में एडवांस बुकिंग से कलेक्शन मिला 2 करोड़ 10 लाख रुपए का। वही दोस्तों फिल्म के एडवांस बुकिंग में दूसरे दिन एक बड़ा ग्रोथ आया और फिल्म ने दूसरे दिन एडवांस बुकिंग में कलेक्शन किया है लगभग 4 करोड़ 30 लाख रुपए का। इसी के साथ दोस्तों हाउसफुल 4 का जो 2 दिनों का टोटल एडवांस बुकिंग कलेक्शन होता है वो हो चुका है 6 करोड़ 40 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, फिल्म ने अभी तक 6 करोड़ 40 लाख रुपए की कमाई कर ली है, जबकि दोस्तों फिल्म को रिलीज होने में अभी भी 4 से 5 दिन का समय बचा है, यानी कि फिल्म जिस दिन रिलीज होगी उस दिन कम से कम पहले दिन 25 से 30 करोड़ की कमाई बड़ी आसानी से कर जाएगी। और दोस्तों फिल्म के पूरे चांस है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ की कमाई भी कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर हाउसफुल 4 300 करोड़ कमाती है तो यह फिल्म अक्षय कुमार के करियर की पहली हिंदी फिल्म होगी जो 300 करोड़ कमाएगी। साथ ही साथ बॉबी देओल और रितेश देशमुख के करियर की भी पहली फिल्म होगी जो 300 करोड़ कमाएगी। तो अब देखते हैं दोस्तों हाउसफुल 4 बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने के बाद कितने करोड़ की कमाई करती है। वैसे दोस्तों आपको क्या लग रहा है हाउसफुल फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन क्या रह सकता है, 200 करोड़, 250 करोड़ या 300 करोड़ रुपए? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाउसफुल 4 से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी खबर के लिए मेरे और आपके इस चैनल एकेबी मीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूले। जी हाँ दोस्तों, आपको हमारे इस चैनल पे हाउसफुल 4 से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर सबसे पहले मिलेगी, तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा ले।